वेलकम फ्रेंड्स, रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। आ जाओ जल्दी से सभी लोग और फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब देखते हैं आज के इस कन्वर्सेशन की दूसरी क्लास में। माफ करिएगा, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत होता है भाई, ये कन्वर्जन की क्लास है, मतलब एक राशियों के मात्रकों को दूसरी राशियों में बदलना। आप चाहे डीएलएड के एग्जाम दे रहे हैं या फिर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, क्लास 2, 3, 5 कोई भी क्लास में है, कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मात्रकों का परिवर्तन आना बहुत ही जरूरी है ना। जैसे अगर कहा जाए एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ये सामान्य जीवन में यूज होने वाले सभी प्रश्न है ना। हम लोगों को जरूरत पड़ती है, चाहे मकान बनवा रहे हो, घर बनवा रहे हो या फिर कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो ये सब हमें आना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, कमरे की लंबाई अगर 5 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, सभी लोगों को मालूम होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन है 400 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, ऐसे कमेंट करेंगे। सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का ए या फिर Q21 का बी या फिर Q1 का सी या Q1 का डी, ऐसे इसी तरह का आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बता दिया होगा। वीडियो की क्वालिटी एकदम फुल HD में है बाबू, आप लोग क्वालिटी चेंज कर ले, बिल्कुल मस्त दिखेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। कैसे, देखिए हम लोग लिखेंगे पहले जो दिया है, दिया क्या है, एक कमरे की लंबाई कितना दिया है 5 मीटर, है ना। हमें निकालना क्या है, कमरे की लंबाई सेंटीमीटर में। अगर कह रहा है कमरे की लंबाई 5 मीटर है तो सेंटीमीटर में क्या होगी, पहले हम देखेंगे मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है, इन दोनों को क्या फेयर है भाई, तभी तो समझ पाएंगे ना कोई बात। तो इन दोनों का इतना रिलेशन है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको हमने इंग्लिश हिंदी में लिखा है, एक हिंदी में, इंग्लिश में, है ना। तो इसको एक जैसे लिख देते हैं जिससे किसी को कंफ्यूज ना हो, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो अगर 5 मीटर की बात करें तो 5 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करना बहुत लोगों को नहीं आता होगा, कहेंगे 100 का पहाड़ा नहीं आता तो कैसे करेंगे, तो भाई दोनों जीरो उतार लो और 5 का गुणा 1 में 5 से कम 5, ये हो गया 500 सेंटीमीटर, है ना। तो अगला सवाल देखिएगा इसी क्रम में, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। अगला सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अजीब सा है ना। ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई 1 मीटर में सेंटीमीटर तो हमने पढ़ा है, निकाला भी है, लेकिन सेंटीमीटर में मीटर कहाँ होता है। होता है भाई, अगर आपने कहा कि दूध में पानी मिलाया तो इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पानी में दूध मिलाया, है ना, वो होगा तो एक ही काम ना, समझ में आया ना, ठीक ना। चाहे तो आप बोले कि मैंने दीवार पे मुक्का मारा या फिर बोले कि मैंने क्या किया, दीवार में हाथ से ठोंका, मतलब तो एक ही होगा ना। तो बस इतना मतलब मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता, पहले आपको ये आना चाहिए, तब आप इसको भी निकाल लेंगे या फिर आप उसको भूल जाइए, नए सिरे से चलते हैं। ये हमारी 7 राशियां होती है मेन, है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसको हम आपको बोलते हैं, बार बार इसको याद कर लीजिए, ठीक है। करना कैसे है देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर में मीटर बताना है ना। देखिए बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं तरीका कैसे आप इसे समझेंगे, याद नहीं करना है क्योंकि रटने से कुछ याद नहीं होता, ठीक ना। तो सिंपल में आपको ये देखना है सेंटीमीटर कहाँ है, ये यहाँ है सेंटीमीटर ना, मीटर कहाँ है, यहाँ पर है। अब अगर आप गौर करें तो आपको सेंटीमीटर से मीटर याद करना है, मतलब आपको ऊपर वाली राशि से नीचे वाली राशि क्या करना है, इसके रूप में मतलब प्राप्त करना, फाइंड करना है। तो ये नीचे को आएगा ना ये लाइन, ऐसे है ना, डाउन होगा ना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे आप 1/1। अगर किसी भी राशि में नीचे को एरो बनता है, मतलब ऊपर वाली राशि से नीचे वाली में जाना है, तो आप हमेशा 1/1 के रूप में लिखेंगे पहले, ठीक, लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये किस नंबर पे है, मीटर चौथे नंबर पे है ना, सेंटीमीटर दूसरे नंबर पे है। आप बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या घटा लीजिए, 4 में से 2 गया कितना है 2 ना, जो 2 आया ना उतना है 0 बढ़ा दो, बस हो गया। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ये डी वाला,
क्लियर। देखिए इसी में हम आपको थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन दूर कर दें, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। कंफ्यूज होने का बात भी ऐसे ही है कुछ। देखिए उनकी कंफ्यूजन क्या है, अगर यहां पर हमें निकालना है एक मीटर में सेंटीमीटर तो कैसे होता है। आप ध्यान दें, आप सेंटीमीटर ये है, मीटर ये है। अब आपको नीचे से ऊपर जाना है ना, नीचे से ऊपर जाना है, मतलब मीटर से सेंटीमीटर लाना है। तो क्या करेंगे आप, हमेशा यहां एक लिखते हैं, एक बटा एक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। इसको ऐसे भी जान ले सिंपल में, अगर छोटी राशि से बड़ी राशि के रूप में बदलना है तो हमेशा भाग देते हैं, अगर बड़ी राशि से छोटी राशि में बदलना है तो गुणा करते हैं, समझ गए ना। तो एक लिख दिया हमने, अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, घटा लो चार में से दो, क्या आएगा दो ना, यहाँ पे दो जीरो बढ़ा दो, बस हो गया 100 सेंटीमीटर, है ना सिंपल सा। अगर मान लेते हैं हम इसको छोड़ के अगले में चलते हैं, अगले में मतलब किसमें, अरे भाई ये किलोमीटर को भी ले लो ना, नीचे बैठे हैं ये, किलोमीटर से अगर हमें मीटर में चलना है, मतलब ये ज्ञात करना हो कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको रिपीट कर रहे हैं। एक किलोमीटर में कितना मीटर, सभी लोग जानते हैं 1000 होता है ना, कैसे होता है, देखिए किलोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, आपको क्या करना है, बड़ी राशि से छोटी राशि में जाना है, मतलब कि नीचे से ऊपर वाली राशि में जाना है, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो आप हमेशा यहाँ एक लिखेंगे, हो गया ना एक। अब क्या करेंगे, ये सातवें नंबर पर है, चौथे नंबर पे है, सात में से चार घटा दो तीन आया ना, यहाँ पे तीन जीरो बढ़ा देंगे, एक किलोमीटर में 1000 मीटर, कुछ भी रटना नहीं है न याद करना है, बस समझ लेना है, ठीक ना। इसी का उल्टा चले अगर, ध्यान दीजिएगा, इसी का उल्टा अगर हम चले तो, अगर हम बोले कि एक मीटर में कितना किलोमीटर, जी बिल्कुल, अगर मीटर में किलोमीटर है तो किलोमीटर में मीटर भी होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, अब हमें देखना है मीटर से किलोमीटर में, यानी मीटर से किलोमीटर में, अब हमें ऊपर से नीचे को आना है ना, ऊपर से क्या करना है, नीचे आना है, अगर ऊपर से नीचे आना है तो यहाँ एक बटा एक लगाना है, ठीक। अब क्या करेंगे, चार सात में से चार घटा लो तीन आया ना, अब ये तीन जीरो नीचे बढ़ेगा, मतलब एक मीटर में एक बटा 1000 किलोमीटर, समझ गए ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है बाबू ये, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बताइएगा, और कभी ना भूलने वाला तरीका जरूर देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, जो कल मैंने आपको बताया था उसी का जस्ट उल्टा होगा, सिंपल सी बात है। देखिए अब की बार हमने इसे इंग्लिश में लिख दिया, देखिए कैसे भाई, सिंपल सी बात है, किलोमीटर यहां है, सेंटीमीटर यहां है, ये दोनों लगभग एक दूसरे के बॉर्डर पे है, बट ये थोड़ा सा नीचे है, तो काउंटिंग कर लो पहले, ये 3 4 5 6 7 टोटल 7 राशियां हैं, है ना। हमें करना क्या है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, नहीं हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, ऊपर से नीचे आना है, यानी यहां से ये एरो यहां तक आएगा, है ना। तो अगर ऊपर से नीचे आएगा तो हमने अभी आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, ऐसे बना ले, एक सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, आप एक बटा एक लिखेंगे, ठीक, कितना जीरो बढ़ाएंगे, ये 7 है ना बाबू, 7 से 2 घटा लो कितना आएगा, 5, अब आप यहां 5 जीरो बढ़ा दो, बस इसे क्या गिनते हैं, 1 लाख, 1/1 लाख उत्तर हो गया, है ना, कितना आसान, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अगर इसी सवाल में आपसे हम बोलते कि 4 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे वही भाई, जहां पर एक है वहीं पे आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, वेरी सिंपल है, ठीक ना। तो 4/1 लाख हो जाएगा, काट पीट लीजिएगा, अगर कटेगा तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। देखिए आपकी नई शेड्यूल की क्लास हो चुकी है डीएलएड की, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ये हम आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहे हैं क्योंकि 1 फरवरी से कुछ परिवर्तन हुआ है आपकी क्लासों में, आप लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया उनको सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आपकी डीएलएड की क्लास 1 से 2 घंटे की ऑनलाइन लाइव अब भी चल रही है जैसे पहले चलती थी, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये यूट्यूब पर सबको ना दिख रही हो,
तो इसके लिए आप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और क्लास ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आप पहले की तरह दो दो घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास को देख सके, ठीक है। और हाँ, अगर कोई सुझाव शिकायत अथवा इंक्वायरी है तो आप निसंकोच हमें कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पूरा प्लेस है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 9793488448। हम और हमारी पूरी टीम आपकी सेवा में ऑल टाइम तत्पर। इसके अलावा अन एकेडमी का नाम आपने सुना होगा, अन एकेडमी पर अवश्य फॉलो कर लें, जिससे कि आपको पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और भी सारी कक्षाएं मिल सके। मैं राजकुमार इंदुवंशी फिर से मिलूंगा आपकी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए देखते रहे PBR स्टडी इंडिया का मनपसंद यूट्यूब चैनल। थैंक यू, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप लोग इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, अभी तुरंत शेयर करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दी गई है सबको फॉलो करें, हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी अवश्य लाइक और फॉलो करें।